मंत्री व पूर्व भाजपा विधायक रमाकांत तिवारी का हुआ निधन। लंबे समय से चल रहे बीमार, क्षेत्र में शोक की लहर। त्योथर से चार बार रह चुके हैं विधायक। आपको बता दें, शाम 7:30 बजे निज निवास में उन्होंने लिए अपनी अंतिम सांसें। उमा भारती सरकार में पशुपालन मंत्री रहे हैं। पशु महाविद्यालय रीवा में संचालित करने में बड़ा योगदान रहा है। रमाकांत लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। प्रयागराज में इलाज से आराम नहीं मिला तो चिकित्सकों ने घर ले जाने की सलाह दी और बीते दिन ही अस्पताल से घर आए थे। प्रयाग एफएम न्यूज के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। भैया बोलिए, आज त्योथर के एक युग का समाप्ति। परम आदरणीय तिवारी जी, मेरे पूजनीय बाबा जी के अभिन्न मित्र और छोटे भाई, मेरे परिवार से उनके प्रेम की एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं। 1992 में जब आदरणीय तिवारी जी मेरे बाबा जी के साथ एक दल में थे, तो 92 में एक मोर्चा निकल रहा था सरकार के खिलाफ। पुलिस भी थी, पुलिस बल भी था। तो एक पुलिस वाले ने घोड़े की नाल से मेरे बाबा को गिरा दिया था। उस वक्त ना आओ देखा ना ताओ, परम पूजनीय तिवारी जी ने मेरे बाबा को अपने कंधे में उठाया और अस्पताल लेकर के गए। तो इस तरह का प्रेम मेरे और उनके परिवार के बीच में था। मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, बाबा के ना रह जाने के बाद इस क्षेत्र में एक तरह से वो हम लोग के गाइड थे, गार्जियन थे। मेरी पूरी सहानुभूति और प्रेम परिवार के साथ है और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में मैं और मेरा पूरा परिवार तिवारी जी के परिवार के साथ खड़ा हुआ। 10 साल उम्र से उनकी चरणों की सेवा में रहा। हम लोगों की उंगली पकड़ कर राजगीर का आखा गाढ़ा का पाने का काम किया। जीवन में अभाव के हुए बावजूद उन्होंने जो संघर्ष किया, जो उत्तर क्षेत्र की जनता का दिल जीता, वो सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति थे। चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति रहा हो, हृदय से स्नेह करता था, हृदय से प्रेम करता था। हम लोगों को समय समय पर वो मार्गदर्शन दिया करते थे। एक शिष्य के रूप में काम करते करते आज मैं इस मुकाम पर, मुझे पहुँचाया, आशीर्वाद दिया, मेरे साथ रहा। आज उनका अभाव उनके क्षेत्र ही नहीं, पूरे जिले और हमारे संस्था को चल रहा है। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। पूरे हमारे चौथर क्षेत्र रीवा जिले के सभी आत्मीयजनों को कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उन्होंने जीवन में चौथर क्षेत्र में माननीय मंत्री जी के, शुक्ला जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, सहयोग से चौथर में राजापुर जल सिंचाई योजना, चौथर बहाव जल योजना, 5-6 पुलों का निर्माण, पहाड़ के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया, सारा गाँव का मकान देने का काम, ये सब ऐतिहासिक काम, जीवनदायिनी योजनाओं का काम किया है। और अब उन नहरें प्रवाहित हो रही हैं, तो जिस दिन से नहर का पानी किसानों के सूखे खेत में पहुंच रहा है, हर वाली में माननीय रमाकांत तिवारी जी, आदरणीय शुक्ला जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चेहरे की, हर पौधे की वाली में उनका चेहरा प्रतिबिंबित होता है। आज पूरा चौथर क्षेत्र अस्तप्त है, उनकी आत्मा को शांति मिली। महाविद्यालय जो है वो जब हम कभी देखते हैं तो तिवारी जी की याद आती है। न जाने कितने पुल के निर्माण उन्होंने कराए,
मुझे याद है ये जो नहर चौथर फ्लो चौथर लिफ्ट इरीगेशन इसके लिए कितना वो कोशिश करते रहे विधानसभा में मजबूती के साथ चौथर क्षेत्र के और रीवा जिले के विकास की बातें मजबूती से रखते थे। कई बार मुझे उनके साथ आंदोलनों में भाग लेने का मौका मिला है। जिस आंदोलन में तिवारी जी रहते थे उस आंदोलन में विपक्ष में रहने के बाद बावजूद भी प्रशासन डरा और सहमा रहता था। जब कोई जननेता आंदोलन करता है तो जनता उमड़ती है, प्रशासन में दबाव बनता है। इसी आधार पर राजनीति करके उन्होंने अपने कद को बढ़ाया था। कद्दावर नेता थे, आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो नई पीढ़ी के नेता हैं उनको रमाकांत तिवारी से प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी कि किस तरह शून्य से राजनीति शुरू करके बिना किसी बैकग्राउंड के और राजनीति के क्षितिज में किस प्रकार से अपना स्थान बनाया जा सकता है। ये जब रमाकांत जी के राजनीतिक यात्रा को हम देखते हैं तो नई पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलती है। मैं उनके आत्मा की शांति ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिजनों को। हालाँकि उनका परिवार सिर्फ उनका अपना परिवार ही नहीं था, तो उधर का पूरा क्षेत्र उनका परिवार की तरह था। पूरे परिवार को शक्ति ईश्वर प्रदान करें कि हम इस कमी के कष्ट को सहन कर सकें। एक बार फिर से मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे हम सबके दिल और दिमाग में रहेंगी उनके संघर्ष की जो यात्रा रही है। शून्य से राजनीति की शुरुआत करके उन्होंने काफ़ी ऊंचाई हासिल की, न सिर्फ देवघर क्षेत्र बल्कि रीवा जिले और विंध्य के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती रही है। चार बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं। जब जब उन कामों को देखा जाएगा तो तिवारी जी की याद आएगी। रीवा में पशु चिकित्सालय